पढ़ाई एवं कार्य क्षेत्र में प्रगति, चारों ओर से होगी उन्नति। परिश्रम जीवन के सफलता का रहस्य माना जाता है। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव साक्षात ग्रहों के सेनापति है, जिसके कारण आपको परिश्रम का महत्व बताने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। परिश्रम करना आपका स्थायी भाव है और उसी को लेकर आप भूलोक पर आए हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव इस महीने सिंह राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। उनके इस स्थिति का अर्थ है कि सेनापति राजा के घर आया है। सेनापति जब राज दरबार में जाता है तब वह अत्यंत सकारात्मक दृष्टि से शुभ कार्य करने के लिए वहाँ आया होता है। वास्तव में कई बार अगली योजनाएं बनाने के लिए राजा से उसे निमंत्रण मिलता है। उस अनुसार सकारात्मक पद्धति से योजना बनाई जाए तो वह अत्यंत सक्रिय भी होता है। उसी के अनुसार इस महीने आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं विकसित होने वाला है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीय हैं। वे इस महीने आपके पंचम स्थान में विराजमान हैं। 7 अगस्त को वे वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार से आर्थिक लाभ प्राप्त होकर वास्तु के अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीय हैं। वे भी आपके पंचम स्थान में विराजमान हैं, अर्थात तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान हैं। उनकी स्थिति को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने आप विशेष परिश्रम करने वाले हैं, बुद्धि का उपयोग कर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाले हैं, साथ ही बड़ा कर्तृत्व भी करने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह काल मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। यदि आपकी पहले से कोई योजना हो तो आप इस महीने वास्तु का नवीनीकरण करना, नए वाहन लेना जैसा कार्य कर सकते हैं। महीने के प्रथम पखवाड़े में घर में थोड़ा अस्थैर्य रहेगा, लेकिन आप उसकी अधिक चिंता ना करें, क्योंकि दूसरे पखवाड़े में घर में सुख शांति प्रस्थापित होगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह काल मेष जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। उसमें भी टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के जातकों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी। वे अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, इसीलिए आपने उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। विवाह इच्छुक जातकों के लिए विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। सामान्य रूप से इस महीने के दूसरे सप्ताह के बाद यह योग निर्माण होंगे। प्रेम विवाह के योग भी निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी यांना ठाणे मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी। दिनांक 30 व 31 जुलै 2023 रोजी आपण याचा लाभ घेऊ शकता। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मेष जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
मेष जातक लगातार कार्यरत रहने वाले हैं। अति परिश्रम करने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन दूसरे पखवाड़े में वह भी कम हो जाएगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए इस महीने का अंतिम सप्ताह और व्यावसायिक जातकों के लिए प्रथम सप्ताह विशेष लाभकारी कहा जा सकता है। इस महीने आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है, साथ ही कार्य भी अधिक रहेगा। उसके लिए अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, जो करने की मानसिक तैयारी आपने पहले से ही कर लेनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। विदेश में स्थित मेष जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना उन्नति का रहेगा। नए प्रोजेक्ट पूर्ण करना, नया जॉब मिलना, स्थलांतर होना जैसे प्रकार मुख्य रूप से सामने आएंगे। साथ ही विदेश में स्थित विवाह इच्छुक जातकों के विवाह जुड़ने के शुभ योग भी निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरु महाराज राशि में आए हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके द्वारा उच्च शिक्षा के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, वे आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। आपकी राशि में भाग्येश आए हैं और उसी समय राशि स्वामी पंचम स्थान में विराजमान होने के कारण उनमें नवपंचम योग निर्माण हुआ है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही लाभेश का लाभ स्थान में होना भी अत्यंत शुभ योग है। कुल मिलाकर यह काल मेष जातकों के लिए प्रगति एवं उन्नति का कहा जा सकता है, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। ज्येष्ठ नागरिक एवं बुजुर्गों की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना उनका ही रहेगा। मेष राशि के बुजुर्ग थोड़ा स्मार्ट पद्धति से बर्ताव करने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट पद्धति से ही आगे की योजना बनाएंगे, जो उनके लिए लाभकारी रहेगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे कुंभ राशि अर्थात अपनी पसंदीदा मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, इसीलिए आप उचित कर्म करें। लाभ आपके पास चलकर आएगा, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके लाभ स्थान में ही विराजमान है। लाभेश का लाभ स्थान में होना यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उसमें भी जब शनिदेव जैसा बड़ा ग्रह लाभेश बनकर कार्य करता है, तब वह कार्य बड़ा विशेष होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में शनिदेव वक्री होने के कारण उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, जिस कारण वे अधिक तीव्र रूप से परिणाम देंगे, जो मेष जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ज्योतिष प्रेमींसाठी सुवर्ण संधी, आश्चर्यकारक अनुभवांची प्राप्ती, शिका जे जे ज्योतिष पद्धती। ज्योती जोशी म्हणजेच जे जे पद्धती यावर प्रत्यक्ष कार्यशाळा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। यात्रा से पढ़ाई के योग, नौकरी के योग, व्यावसायिक उन्नति के योग आपके लिए निर्माण होंगे। कुल मिलाकर मेष जातक इस काल में कई यात्राएं करेंगे और उससे सफलता भी प्राप्त करेंगे, इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है, उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं,
तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 9, 19 और 28 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 16 और 26 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने के उपायों का विचार करें तो इस महीने नाग पंचमी का महत्वपूर्ण उत्सव है। नागराज भगवान महादेव जी के गले पर विराजमान होते हैं। उनके लिए सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा को दूध का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार उसके पास मन का कार्यकत्व भी है। पृथ्वी पर जब प्रलय की ओर जाती है तो उसे संतुलित करने का सामर्थ्य नागराज के पास है, जिस कारण इस काल में यदि आप भगवान महादेव जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका वैयक्तिक के साथ साथ सामूहिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। उस अनुसार मैं हर राशि के लिए एक विशेष मंत्र देने वाली हूँ। उसका प्रतिदिन 11 बार पठन करना चाहिए। उसमें मेष जातकों की दृष्टि से विचार करें तो ओम वासुकेय नमः यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है, जिसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि मैं 30 और 31 जुलाई को ठाणे में हूँ। जो प्रत्यक्ष मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उन्होंने पहले शुल्क का भुगतान कर नाम दर्ज करना है, उसके बाद मिलने का समय और स्थान आपको बताया जाएगा। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।